संजौली निर्माणाधीन मस्जिद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को विभिन्न हिंदू संगठनों के आह्वान पर हिमाचल बंद के बाद अब सोलन जिला में व्यापार मंडल ने एक बार फिर सोमवार को विरोध स्वरूप बाजार बंद का ऐलान किया है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुशल जेठी ने बताया कि व्यापार मंडल द्वारा सोमवार को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक बाजार बंद करने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि सोलन में प्रवासी लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और प्रवासियों की बढ़ती संख्या भविष्य में एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। उन्होंने सरकार से अंतर्राज्यीय पलायन पर लगाम लगाने को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश में आने वाले सभी प्रवासियों की पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। हम समय समय पर प्रशासन को आगाह करते हैं कि यहाँ प्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन आज तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इसी मद्देनज़र हमने तय किया कि आने वाले सोमवार को हम सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एक सांकेतिक सोलन बाजार बंद करेंगे और प्रशासन से ये मांग करेंगे कि यहाँ पर जितने भी लोग प्रवासी हैं जो अवैध कारोबार कर रहे हैं, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की दुकानें लेकर यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, इतना तो उनके पास स्टॉक नहीं है जितना वो किराया दे रहे हैं। जब तक अब प्रशासन बाहर से प्रवासियों की वेरिफिकेशन नहीं करेगा, हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं।